सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल राफे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी प्लेटफॉर्म में ड्यूरिंग ड्रॉप शिपिंग दराज अमेजोन वगैरह अलीबाबा से आप प्रोडक्ट की इमेज कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप वैसे अगर दराज के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो देखिए, जैसे मैं जा रहा हूँ दराज के प्लेटफॉर्म पर, कोई भी प्रोडक्ट मैं चूज़ करूँगा। प्रोडक्ट चूज़ करने के बाद अब मैं यहाँ पे पेज लोड होगा तो मैं ये राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा सेव इमेज एज का। सेव एज का आ रहा था ऑप्शन, लेकिन उससे आप डाउनलोड करेंगे तो वेब फाइल डाउनलोड होगी। मैंने ये पिक्चर चाहिए क्योंकि मैं अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना रहा हूँ, दराज से प्रोडक्ट लेके अपनी वेबसाइट पर लगा के थोड़ा कॉस्टली बेच रहा हूँ, ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, तो उसके लिए तो मुझे ये इमेज चाहिए होगी। तो मैं फिर एक इमेज एक्सटेंशन होता है तो मैं उसे डाउनलोड करूँगा। आपने गूगल पे सर्च कर लेना है इमेज डाउनलोडर, मेरे से गलती से इमेज कंप्रेसर लिख हो गया था, लेकिन आपने इमेज डाउनलोडर करना है सर्च। ये देखिए इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन आ जाएगी। अब यहाँ पे पहले ही आपने पेज पे चल जाना है, पहले वेबसाइट पर। जाने के बाद यहाँ पे क्रोम का वेब स्टोर खुल जाएगा और ये आपके पास एक इमेज डाउनलोडर आ जाएगी, ऐप टाइप एक्सटेंशन आ जाएगी, तो आपने ये एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। एक्सटेंशन ऐड हो जाने के बाद आपने ये अपना वो पजल वाला साइन दबा के इसको पिन कर लेना है। पिन करने से सामने आ जाएगी, जैसे कि ये वाली पिन आएगी और आप इधर से डाउनलोड करेंगे, नहीं तो आपको पजल वाला दबा के दोबारा खोलना पड़ेगा, ऐसे ही आपके सामने ही रहेगी पिन करने से। अब आप यहाँ पे जाएंगे और ये इमेज डाउनलोड करने के लिए आप एक्सटेंशन वाली इस पर जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितनी भी पेज पे इमेजेस हैं वो सारी आ जाएंगी, जैसे कि अभी ऊपर गुजरी हैं ये सारी जितनी भी इमेजेस हैं ना, बार कोड वगैरह सारी आ जाएंगे। तो अब हम इमेज सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन कौन सी कितनी इमेज हमने डाउनलोड करनी है इस प्रोडक्ट की। अभी हम ये प्रोडक्ट की इमेज सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होने के बाद अपने पीसी वाले पे जाएं, पीसी पे और डाउनलोड्स में जाके देखें, आपको वो इमेजेस सारी की चार जो हमने डाउनलोड किए हैं वो आपको मिल जाएंगी। और इस एक्सटेंशन का फ़ायदा ये है, अगर आप गूगल से भी इमेज डाउनलोड करते हैं तो आपको इतने अच्छे रिज़ल्ट भी नहीं मिलती, तो आप एक्सटेंशन लगाएंगे और उसी वेबसाइट से करेंगे ना, तो आपको रिज़ल्ट भी आपके सामने इतना अच्छा रिज़ल्ट में आपको वो इमेज मिल रही है जैसे आपको वो वेबसाइट पर शो हो रही है, उसी रिज़ल्ट में आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ओके, बाय।